हेलो एवरीवन, जायका द फूड ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नवरात्रि स्पेशल दो रेसिपीज़। पहली रेसिपी हमारी रहेगी मखाने की खीर और दूसरी रेसिपी रहेगी हमारी आलू की टिक्की। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मखाने की खीर बनाएंगे। इसके लिए एक पैन में एक चम्मच घी गरम करेंगे। थोड़े से हम बादाम और काजू को काट कर रोस्ट कर लेंगे। दो कप मखाना लेंगे, इन्हें में इसमें ऐड करेंगे और रोस्ट करेंगे। ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल कर साइड रख देंगे। आधा लीटर दूध लिया है, इसे हम बॉईल कर लेंगे। दूध में बॉईल आ गया है, इसे चलाते रहेंगे। थोड़ा सा गर्म दूध हम एक कटोरी में निकाल लेंगे और इसमें हम केसर भिगोएंगे। केसर इसमें ऑप्शनल है। इसमें रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद हमें इसे 5 से 6 मिनट तक पकाना है। हाफ कप चीनी ऐड कर देंगे। आप जितना मीठा पसंद करते हैं आप उतना ऐड कर सकते हैं। केसर वाला दूध ऐड कर देंगे। आधा चम्मच इलायची पाउडर डालकर इसे ढककर साइड रख देंगे। तो खीर हमारी बनके रेडी है। अब हम टिक्की बना लेते हैं। आलू की टिक्की बनाने के लिए मैंने 4 से 5 बॉइल्ड आलू को मैश कर लिया है। आलू में बाइंडिंग के लिए व्रत वाला आटा यूज़ कर रही हूँ मैं, तो वो डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें अरारोट का भी यूज़ कर सकते हैं। हरा धनिया, हरी मिर्च डालेंगे। जीरा, सेंधा नमक और काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हाथों को हल्का सा घी से ग्रीस कर लेंगे और प्लेट में भी हमें हल्का सा घी लगा देना है। थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेके इसे टिक्के का शेप देंगे। इसी तरह से हम सारी टिक्की को बना लेंगे। एक पैन में 2 चम्मच घी गरम करेंगे। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, पर मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ। एक बार में आपको जितनी टिक्कियाँ फ्राई करनी हो आप उतनी लगा सकते हैं। दोनों तरफ से अलट पलट कर इन्हें सेक लेंगे। टिक्कियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। इसी तरह से सारी टिक्कियों को फ्राई कर लेंगे। आलू की टिक्कियाँ हमारी तैयार हैं, इन्हें गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इसके साथ मैंने आज बनाई है टमाटर और हरी धनिया की चटनी। इस नवरात्रि आप इन दोनों रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये दोनों रेसिपीज़ आपको बहुत पसंद आएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।